हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए आज बनाते हैं हम मटर पनीर। सिंपल मटर पनीर रेसिपी है ये। चलिए मैंने ले लिया इस बर्तन बर्तन में डाली बर्तन में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा 1 चम्मच तेल, जिसमें मैं डालूँगी इसमें 2 प्याज कटे हुए। प्याज डालकर मैं इसमें थोड़ा सा भूनूंगी इसको। प्याज मैंने डाल दी है और इस प्याज को डालने के बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे कि तेज़ ना हो पाए। इसका ध्यान रखना है हमें तेज़ ना हो, क्योंकि हमें फ्राई नहीं करनी है, इसको गोल्डन भी नहीं करनी है, इसे चलाते रहना है। थोड़ी देर हम चलाएंगे इसको और फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है कटी हुई। थोड़ा सा हम इसको भी चलाएंगे, इसकी खुशबू आ जाती है इसमें, जो कि सालन में बहुत अच्छा टेस्ट लाती है। इसको भी हमें चलाते रहना है थोड़ा सा। देखिए ये ब्राउन नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो टेस्ट बदल जाता है इसका, ब्राउन ना होने पाई है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा हमें चलाना है। थोड़ा सा हम चलाएंगे, लगे नहीं है। देखिए इसमें डालेंगे हम टमाटर, 2 टमाटर ले ली थी, 2 ही प्याज ली थी, 2 ही टमाटर ले लिए हैं। इसको भी थोड़ा सा चलाते रहना है। गैस मैंने हल्का किया हुआ है क्योंकि ये लगे नहीं इसमें, इसका ध्यान रखना है आपको, नहीं तो टेस्ट बदल जाता है इसका। थोड़ा सा हम चलाएंगे, देखिए थोड़ा मुलायम हो गए हैं टमाटर। अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा आता है मटर पनीर में। इसमें नमक भी डाल दिया है जिससे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं जल्दी, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं नमक डालने से। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि थोड़ा सा बाद में मसालों के साथ में डालेंगे हम। इसे चलाते रहना है, फिर इसको हम थोड़ा गलने के बाद देख लेते हैं ये गल गए हैं नहीं अच्छी तरह से, फिर हम इसको निकाल लेंगे बर्तन में अच्छी तरह भुनने के बाद। टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं बर्तन में, इसको ठंडा कर लेंगे। सब मसाले को निकालने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे, फिर पीस लेंगे। अब मैंने ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने ले लिया है 3 चम्मच तेल, जिसमें मैं डालूँगी ये पिसा हुआ मसाला जो कि मैंने पीसा था। इसको हम भून लेते हैं, इसको अच्छी तरह से भूनना है जिससे इसमें से सारी स्मेल निकल जाए और घी भी ऊपर आ जाए। और अब इसमें डालना है 1 चम्मच धनिया, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिए मिर्च। मैंने लिया इसमें 1 चम्मच मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ली है। इसे अच्छी तरह भूनेंगे, इसे काफ़ी अच्छी तरह से भूनना है जिससे कि इसमें स्मेल ना रहे अदरक लहसुन की, और अच्छी तरह से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है जब अच्छे से भुनता है मसाला। अच्छी तरह से भून लीजिए, मसाला हमारा भुनने वाला है, तैयार है। और अब इसमें डालना है मटर, 1 कटोरी मटर। ये फली की मटर ली है जो कि जल्दी ही गल जाती है। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, बाद हम इसे इसमें पानी डाल देंगे। 1/2 कप मैंने डाल दिया है पानी। इसको थोड़ी देर चलाकर फिर हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं मटर तैयार है कि नहीं। मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और मसाला भी तैयार है हमारा पनीर डालने के लिए। तो इसमें डाल देते हैं हम पनीर। पनीर हमने ले लिया 1 कटोरी पनीर ले लिया था, जो कि मैंने चौकोर चौकोर पीस में काट लिया है। अच्छी तरह से चला देते हैं। इसमें मैंने कुछ और कोई अलग से कुछ नहीं डाला है, सिंपल रेसिपी है ये। बहुत अच्छा बनता है मटर पनीर ये, आप बना कर देखिएगा, बहुत अच्छा। इसको भी हमने 2-3 मिनट पका लिया है, 2-3 मिनट पका लेते हैं क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है। और अब हमारा मटर पनीर तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं जल्दी से बर्तन में। मटर पनीर बहुत अच्छा बना था, आप देखिएगा इसे बनाकर, बहुत अच्छी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, कोई वो नहीं है इसमें, कुछ अलग से नहीं डला है, सिर्फ मटर पनीर यूज़ किया है इसमें, क्रीम व्रीम कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब हमारा मटर पनीर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कैसा बनाया, आप ट्राई करिएगा।
ओके, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।